सो हे गाइस वेलकम बैक। आज के इस वीडियो के अंदर ना तेरे भाई ने क्या खतरनाक अच्छा। खेला यार। सबसे पहले मैं गन ढूंढ के उसके बाद बात करेंगे। तो यहाँ पर तेरे भाई ने अच्छी खासी लूट कर ली। ऊपर की तरफ दो बंदे, तो तेरे भाई दिमाग लगा के खेलेगा। तो यहाँ पर मैंने जम करके ऊपर चला गया। ऊपर चलने के बाद यहाँ पर देखो इन लोगों ने तो ग्लोल भी लगाई हुई। सामने बंदा उसको पी रेड नंबर देख नो कर। एक बंदा रश कर रहा है तो उसको भाई ये क्या छोड़ पड़ा इसको भाई। यहाँ पर तेरे भाई ने दो किल कर लिया। और हमारे साथ जो बंदा खेल रहा है ना उसके बारे में मैं तुम लोगों को बताऊंगा। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोले क्योंकि एक नंबर का किल चोर है। क्योंकि आगे जाके तुम्हें पता चलेगा इसकी गेम प्ले इतनी बकवास है जिसको देख कर तुम लोग भी कहोगे। अरे नहीं भाई मजाक कर रहा हूँ। जब भी मेरे साथ कोई खेलता है ना तो उसकी बेइज्जती तो मैं हमेशा करता रहता हूँ। तो चलो इसकी थोड़ी और बेइज्जती करते हैं। चलो भाई देखो अपने क्या करता हूँ। तो यहाँ पर तेरे भाई ने अच्छे खासे लूट कर ली। और सामने की तरफ एक बंदा जो अपने आप को समझता है एक हीरो और अब इसको बनाएंगे हीरो। तो ये भाई सामने आ गया और अरे भाई काफी ज्यादा डैमेज पड़ा एक हेडशॉट भी पड़ा। अरे भाई नो कर लिया नेट थोड़ा स्लो है तो इसको साले को बम से उड़ाएंगे। रुको वैसे यार मुझे बम फेंकना नहीं आता ना तो चलो फिर भी ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बम फेंक दिया और बम फेंकने के बाद अरे एक नॉक हो गया भाई। क्या बम फेंकता हूँ मैं यार। वैसे आज के बाद मेरे हेडशॉट वाली वीडियो नहीं आएगी बम वाली। अबे किल चोर एक नंबर का। ये तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोल दिया कि भाई एक नंबर का किल चोर है यार। अब मुझे गाली देना नहीं आता वरना इतनी गंदी गंदी गाली सुनाता नूबड़े को। चलो कोई बात नहीं। तो उसने वहाँ पर मेरा एक किल चोर किया ना और इसको बहुत हीरो बनना है। देखो भाई वहाँ पर इसको नॉक कर लिया किसी बंदे ने क्योंकि यार ये जा रहा था ना चाबी लेने। क्योंकि यार जब से ये चीज आया हुआ है ना तब से ये पता नहीं चाबी के पीछे पड़ा हुआ है। तो वहाँ से जैसे मैं नीचे आ गया ना मैंने कहा इसको रिवाइव नहीं करना थोड़ी मस्ती करना। तो सामने की तरफ से बंदा आया उसने मेरे को इतना गंदा डैमेज दिया मतलब भाई क्या बताऊं। तो यहाँ पर तेरे बने ग्लो लगा के थोड़ा सा और रेड नंबर दिया। तो यहाँ पर मेरे पे रश करता है तो मैंने बॉडी शॉट से नॉक कर लिया क्योंकि यार एक गोली खाऊं मैं। तो यार हेडशॉट के चक्कर में मरना नहीं चाहिए ना। तो सबसे पहले यहाँ पर सुपर मैज लगाएंगे और सुपर मैज लगाने के बाद इसकी लूट करेंगे। और ये कब से चिल्ला रहा है भाई रिवाइव कर कुत्तों की तरह भौंक रहा है। गजब बेइज्जती है। तो चलो यार ये बहुत देर से भौंक रहा है ना तो चलो इसको रिवाइव करते। तो यहाँ पर मैं जा रहा था रिवाइव करने तो सामने से एक बंदा आ रहा है तो तेरे भाई ने उसको भी ओपी रेड नंबर दे के खत्म कर लिया। इसलिए मैं बोलता हूँ ना यार ये रिवाइव वाले ऑप्शन को ना गेम से बाहर निकालो क्योंकि इसी की वजह से भाई देखो एक दफा मर गया एक दफा मैंने रिवाइव कर लिया आगे जाके कितने दफा मरेगा ये काउंट कर लो। तो यहाँ पर मैं जा रहा था मैंने कहा चलो इसको रिवाइव करते क्योंकि यार ज्यादा भौंकने वाले कुत्ते मुझे पसंद नहीं। अरे नहीं यार मजाक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में नहीं कहा था कि मैंने कहा जब भी मेरे साथ कोई खेलता है ना तो उसकी मैं बहुत ज्यादा बेइज्जती करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको रिवाइव कर लिया। पिछली दफा मैं मारा था ना तो इसने पता है क्या कहा। इसने कहा कौन है तू मस्ती कर रहा था। मैंने कहा बेटे मस्ती नहीं तो ए बोल के मैंने इसको दफा कर लिया। पीछे की तरफ से बंदे लड़ रहे ना तो इसके ऊपर गोली चला रहे तो मैंने कहा सबसे पहले उसी को पहलते आई मीन मारते यार। मतलब आजकल पता नहीं लैंग्वेज थोड़ी गलत हो चुकी है मेरी। तो यहाँ पर ये बंदा भाई देख सकते हो ना कितना एचपी भाई इसकी रह गई तो काफी ज्यादा गंदा दिया। मेरे पास स्काइलर यूज नहीं कर रहा क्योंकि स्काइलर की एबिलिटी तो पता है ना कितनी गंदी कर दी। दिन पर दिन फ्री फायर खराब करते जा रहे हैं यार। इतना गुस्सा आता है इन पे कभी कभी लगता है कि भाई छोड़ दो। फिर भी यहाँ पे मैंने जब इस बंदे को देखा मैंने कहा इस ग्लोल के पीछे खड़ा होगा पर जब मैंने जम किया यहाँ पे नहीं था। तो यहाँ पर मेरे दोस्त को मारने की ट्राई कर आई मीन नुबड़े को मारने की ट्राई कर तो ये बोलने लग गया लड़की। मैंने कहा भाई लड़की को हमेशा मैं मारता हूँ। तो ये सामने से जा रही इसको ओपी रेड नंबर देके मैंने नॉक कर लिया। नॉक करने के बाद मुझे लगा ये रिमोट दिखाएगा उसको क्योंकि लॉबी भी ये बोल रहा था कि इसको मैं रिमोट दिखाऊंगा। मैं रिमोट इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ जब तक बंदे रिमोट नहीं दिखाते तब तक मैं भी नहीं दिखाता। अगर बंदों ने रिमोट दिखाया ना फिर पता है ना तुम लोगों को ये अपन का जलवा है भाई। मतलब क्या ही बताऊं अलग सा सीन हो रहा है। जब तक रिमोट नहीं दिखाते तब तक मैं नहीं दिखाता। तो लूट करने के बाद जब मैं यहाँ से जा रहा था ना तो जब मैंने देखा इस बंदे को किसी ने नॉक कर लिया। मैंने कहा यार कितनी दफा नॉक होगा तू नूबड़े। तो ये बोलने लग गया जब पिछली दफा किसी ने नॉक किया था ना उसी ने मेरे को रोक यार सामने से आ रहा है तो भाई क्या रेड नंबर दिया। तो यहाँ पर मैंने सोचा भाई पीछे से निकल वरना भाई बहुत गंदा मारेंगे। यहाँ पर मैं निकल रहा था ना तो ये लोग मारने लग गए। मैंने कहा भाई इनको मार के ही जाऊंगा पता नहीं खुद को क्या समझ रहे। तो यहाँ पर ये सामने बंदा उसको फिर रेड नंबर दिया और यहाँ पर इसको बॉडी शॉट से नॉक कर लिया। यहाँ पर तेरे भाई समझ आ गया कि मारना इनको बहुत आसान है। तो यहाँ पर तेरे भाई ने इसको भी खत्म कर लिया। यहाँ पर तेरे भाई का किल कंप्लीट हो चुका है। मैंने सोचा इसको रिवाइव नहीं करना क्योंकि यार तीन दफा मर गया ना तो तीन दफा इसको रिवाइव नहीं करेंगे। फिर मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं करते यार छोटा बच्चा है यार। तो यहाँ पर तेरे भाई ने इस बच्चे को रिवाइव कर लिया। रिवाइव करने के बाद जब मैं यहाँ से जा रहा था ना किसी ने पीछे से मारना स्टार्ट कर लिया। मैंने यहाँ पे ग्लो लगा के इसको ओपन करके इतने ओपी रेड नंबर दिए। बंदा भी सोच रहा होगा भाई हैकर क्योंकि यार मुझे भी अंदर से फील हो रहा था भाई हैकर। तो यहाँ पर ये बेचारे ने अपने आप को खुद मारा क्योंकि यार शर्म के मारे ना। तो यहाँ से हम निकल गए। वहाँ से निकलने के बाद हम फैक्ट्री की साइड आ गए क्योंकि फैक्ट्री के साथ भी बहुत सारे बंदे थे। तो यहाँ पर ये ऊपर जाके ना ड्रॉप लूट रहा था। मैंने कहा भाई मुझे भी आने दो। तो तेरे भाई ने सामने बंदा देखा मैंने सोचा इसको खत्म कर लूं। तो इसके ऊपर स्कोप नहीं जा रहा था। जब स्कोप उसके ऊपर आ गया ना तो इशारा मैंने किल चोरी कर लिया।
हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो सामने बंदा है तो मैंने इसको भी गंदे जामे दे दिया, उसने ग्लू लगा के ना अपने दोस्त को रिवाइव करने के लिए भाग रहा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा दिमाग लगा के आस निकलते हैं उसके पीछे, वरना पता नहीं ये क्या कहेगा। तो जब यहाँ पे मैंने नीचे कूद गया, नीचे कूदने के बाद मैंने इसका इस्तेमाल करके ना उस बंदों के पास चला गया। बंदों के पास जाने के बाद एक बंदा मेडी लगा रहा था ना, तो मैंने उसको रेड नंबर दे के नॉक कर लिया। दूसरा बंदा मेरे पे रश कर रहा है तो उसको भी मैंने नॉक कर लिया। और पता है यहाँ पे क्या बोल रहा था, भाई तुमने किल चोरी कर दी। मैंने कहा भाई कुछ तो शर्म करो, शर्म करो। अब तुम लोग मुझे ये बताओ मैं किल चोर हूँ या ये किल चोर है? इसने एक दफा मेरे किल चोरी किया, दूसरी दफा किल चोरी कर दी। मैंने कहा भाई तो यार बहुत हो रहा है ना, तो इसलिए मैंने रश करके इसको खत्म कर लिया। खुद किल चोरी करता है, मुझे बोलता है किल चोर है। तो यहाँ से आने के बाद तो सामने बंदा जाएगा, देखना यहाँ पर बंदा आ रहा है सामने से, मैंने इसके ऊपर गोली चलाई तो ये मेरी गोली से बच गया ना। तो यहाँ पर उसके पीछे एक और खड़ा था, उसने मेरे को नॉक कर लिया। टेंशन ना लो, मैंने कहा था ना ये बंदा बहुत खतरनाक खेलता है, पता है ये अब मुझे ऐसे रिवाइव करेगा, मतलब रिवाइव नहीं करेगा। इसने कहा कि भाई मैं अकेला भी मार सकता हूँ इनको, देखना कैसे मारता है। वैसे यार ये भी किसी वाइट ट्रिपल पोस्ट से काम नहीं है, देखना भी क्या करता है। यहाँ पर इसने कवर में आके ना सामने से बंदा आएगा तो ये उसको ओपी दो रेड नंबर दे के उसको खत्म करता है। तो पीछे एक और आ गया, तो यहाँ पर ये जैसे मुंह घुमाता है ना सामने बंदे को दो रेड नंबर देता है और यहाँ पर ये आग देता है। इतना खतरनाक खेलता है ये बंदा, मुझे पता नहीं था, मतलब इतना ओपी खेल के इसने बुया करवाया, मतलब व्हाइट ट्रिपल फोर का नाम बदनाम कर दिया इसने। चलो आज की वीडियो इतनी तक, मैं आपके साथ मिलूंगा किसी और नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना एंड बाय बाय, गुड बाय गया।